ये कहानी है रीमा नाम की लड़की की। रीमा जब छोटी थी तभी से उसको भूत प्रेतों की कहानी पढ़ना, उसकी वीडियो देखना ये सब बहुत अच्छा लगता था। रीमा को जितना भूतों के बारे में जानना अच्छा लगता था उतना ही वो भूतों से डरती थी। थोड़ी सी भी आहट सुन के वो डर जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और देखते ही देखते रीमा शादी के लायक हो गई। रीमा के घर वालों ने उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। रीमा शादी के बाद अपने ससुराल चली गई, वहाँ पे बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी बिताने लगी। घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, पैसों की कमी के कारण रीमा का पति उसे गांव में ही छोड़कर दूसरे शहर कमाने चला गया ताकि कुछ आमदनी हो सके और घर की स्थिति भी सही हो जाए। रीमा के पति का नाम संतोष था। संतोष वहां काम करने लगा और शहर से पैसे गांव भेजने लगा। जब स्थिति सामान्य हुई तो एक दिन रीमा ने संतोष को कहा कि मुझे भी शहर घूमना है, मुझे अपने पास ले चलो। संतोष ने अपने घर वालों से बात की, सबने हाँ बोल दिया कि ठीक है, बहू भी कुछ समय शहर घूम लेगी। फिर संतोष अपने ऑफिस से छुट्टी लेके गांव आ गया रीमा को अपने साथ ले जाने। शहर पहुंचने के बाद वो लोग एक किराए के माकन में रहने लगने। वहां पे और भी किराएदार रहते थे। वही रीमा की दोस्ती पड़ोस में रहने वाली सुमन नाम की लड़की से हुई। कुछ दिन अच्छे से बीते के बाद एक रात रीमा को किसी आदमी की दर्द भरी आवाज में चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये सुन के रीमा डर के मारे उठ गई और अपना वहम समझ के फिर से सो गई। उसके बाद हर रात ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर एक रात रीमा ने संतोष को ये बात बताई। संतोष ने इसे रीमा का वहम बता के इस बात को टाल दिया। एक रात संतोष काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था और रीमा उस रात अकेले सो रही थी। तभी अचानक उसके पलंग के पास एक परछाई आके खड़ी हो गई और रीमा का नाम पुकारने लगी। रीमा घबराकर जोर से चिल्लाई। रीमा की चीख सुनकर पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली सुमन दौड़कर उसके घर गई, पर तब तक वो परछाई गायब हो चुकी थी। उसके दूसरी रात रीमा को सपने में वही परछाई दिखी। उस परछाई ने सपने में बताया कि उसकी अस्थियां इस कमरे के नीचे दफन है, उनको बाहर निकाल के उसे मुक्त करो। रीमा सपने से घबरा के उठ गई और ये बात अपने पति संतोष को बताई, पर संतोष ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और वापस सो गया। दूसरे दिन जब संतोष अपने काम पे गया तब रीमा ने उस कमरे की खुदाई करना चालू कर दिया, पर उसे वहाँ पे बस एक बॉक्स मिला। रीमा ने जैसे ही उस बॉक्स को खोला उसमें से तेज आवाज के साथ एक काला साया निकला, जमीन से निकला भूत और वो रीमा के शरीर में घुस गया। तभी से रीमा की जिंदगी बिल्कुल नर्क बन गई। रीमा ने सबसे बात करना बंद कर दिया। बार बार उसे नशा करने का मन करने लगा। कितना भी खाना खा ले वो उसका पेट नहीं भरता था। ये सब देख के संतोष परेशान होने लगा। जब रीमा ने खुद को मारने की भी कोशिश की तब संतोष अपनी नौकरी छोड़ के उसे अपने गावन ले गया। वहाँ पे भी रीमा ने वही हरकतें चालू रखी। रीमा के सास ससुर को इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो किसी भूत प्रेत के वश में है, इसलिए उन्होंने रीमा को दरगाह पे ले गए। वहाँ पे एक बाबा ने रीमा के अंदर से उस भूत को निकाला और उसके हाथ में धागा बांध दिया, जिसके बाद रीमा ठीक हुई और उसके बाद वो कभी शहर नहीं गई और संतोष भी अब अपने गांव में ही काम करने लगा।